बात करें प्रदीप भाई, जो झोटी है आप सेल जिसको करना चाहते हो, हाँ भाई, इसकी क्या कुछ जानकारी एक बार बता दीजिए भाई। इसकी यह सेकंड टाइमर झोटी है संदीप, मुंह है छह दांत और छठे दांत तोड़ रखे हैं। छठे दांत तोड़े हुए, हाँ, तोड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। और मौके पे 17-18 लीटर दूध तैयार भी है। मौके पे 17-18 किलो दूध तैयार। कितने दिन की ब्याई होगी? 17-18 दिन की ब्याई होगी। मैले तो लग रही है, मैले से लग चुकी है। आज के दिन 18 किलो जो दूध आप बता रहे हो, ये कांटे के तोल का है भाई? लीटर में है, लीटर में। ठीक है, तो प्रदीप भाई कोई भी भाई आए, कितने समय का दूध उसको दिखा कर भाई उसकी संतुष्टि जरूरी है। चाहे वो दो टाइम देखो, चाहे वो चार टाइम देखो, चाहे देखो भी मत, हमने कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दो टाइम देख कर पक्की सहाई कर लो, हाँ, अपन कोई दिक्कत नहीं। चाहे 10 दिन देखो, बहुत बढ़िया। हाँ। ये खाली बाल्टी अगले दोनों थनों की धार मार के दिखा दो एक बार, एक साथ दोनों। ये देखो जी, जबरदस्त रोटेट स्पेसिंग है, जबरदस्त मोटी धारे हैं। अगले थनों की आप देख सकते हो, जबरदस्त जो चुआई है सेकंड टाइमर झोटी में देखने को मिली। पीछे वालों की और एक बार भाई साहब मार के दिखा दो। ये देखो जी पीछे वाले थन दोनों, ये देखिएगा जबरदस्त जबरदस्त जो मोटी चुआई है सेकंड टाइमर झोटी। जितना भी दूध, जैसी भी डिटेल्स हैं, आप सब पशुपालकों के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है मांगावास, प्रदीप काद्यान भाई के डेयरी फार्म से काफ़ी स्पेशल पशुधन जबरदस्त जो बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई झोटी है वो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, जो सेल के लिए अवेलेबल है। और एक ब्रीडिंग सेंटर हम कह सकते हैं, भाई ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। 5 महीने की उम्र का शानदार कटड़ा, साथ में 17 महीने का एक और जो खीरा कटड़ा है आप देखिएगा। आप बात करें 40वां जो राज्य स्तरीय जो पशु प्रतियोगिता थी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में आयोजित थी, जो इनका खीरा कटड़ा था, कॉन्सोलेशन प्राइज घर से पहली बार बाहर निकले और वहां पे कॉन्सोलेशन में इसने बाजी है मारी थी। दूसरे वाला जो कटड़ा था KDFA लेकर के गए थे, 5 महीने का कटड़ा है, 1 साल के अंडर की जो कैटेगरी थी उसमें लड़ा था, काफ़ी अच्छा जो बेहतरीन प्रदर्शन है करके आया है। तो भाई का खरीद बेच का काम, सेल परचेज का जो कारोबार है वो आज एक ही झोटी है जो सेल के लिए अवेलेबल है। प्रदीप काद्यान भाई के पास सीधा लेकर के चलते हैं, एक एक पशुधन की जो डिटेल्स है बारीकी से जानेंगे। प्रदीप भाई जी नमस्कार है आपको। राम राम भाई संदीप, अपने घर पर पहुँचने पर आपका तो दिल से स्वागत है जी, और आपके दर्शकों को भाई प्रदीप की राम राम। जी जी, कैसे हो प्रदीप भाई? ठीक हो? बढ़िया भाई। किस तरह का कामकाज है आपका भाई? अपना है दूध का, बढ़िया पशु लेकर ना आया, अगर कोई सेल हो जाए तो कर देना, तो अपने घर पर रख ले। घर पे दूध क्या भाव बिक जाता है वैसे? दूध भाई अपना 65 चल रहा है। 62 65 रुपए लीटर। हाँ भाई। ठीक है, तो खेती बाड़ी भी करते हो पशुधन? हाँ, खेती बाड़ी भी करा भाई। अच्छा, खेती बाड़ी भी है। बात करें प्रदीप भाई, कितने टाइम से जो खरीद बेच का काम है आपका वो? भाई खरीद बेच का तो आप ना 2-1 साल हुए होंगे। ठीक है। हाँ भाई, उसमें भी कोई नहीं हुआ, कोई बढ़िया पशु आ गया तो 2 महीने में 20 दिन में सेल हो गया तो कर दिया, ना तो कोई जरूरी को। बहुत बढ़िया भाईयो, आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना, तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट हरेक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। जब आपके पास हो न्यूट्री डाइट तो क्यों दे और डाइट? तो जो कटड़े आपने इतने अच्छे अच्छे तैयार किए, इसके पीछे जो डाइट है क्या राज है, एक बार वो मैं आपसे भाई संदीप। डाइट तो यह है अपने बंदोले है, चने है, हाँ, और भाई अपने एक यो खंडा है। ठीक है, ये जो नॉर्मल अपना भैंसा का गे रहा है बकरी का गे रहा है। पर्पस क्या, आगे क्या आपने घर पे सीमन तैयार कराओगे या सेल पर, सेल के लिए है ये भाई? इस मेन्यू है बढ़िया, रुपया लगेंगे तो एक ने तो सेल कर देंगे। ये छोटे वाला भी इसकी माँ दूध दे रही है, यो हाँ, पिया कर। हाँ, हम इसने अभी सेल नहीं कराएंगे। अच्छा, हाँ। तो जो छोटे वाला है जिसकी उम्र आप 5 महीने बता रहे हो, हाँ, किसका बेटा है, माँ का दूध वगैरह क्या? यो भाई पंचायती बुलगा है। पंचायती बुलगा, हाँ। माँ का रिकॉर्ड था भाई, या छोटी अपा खरकी लेकर आए थे 2 दाते। ठीक है। अरे आप बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। और बीमार होने के बाद में 1 महीने तक नहीं तो इसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं जुगाड़ी जी, और लेकिन फिर भी 13-14 किलो दूध निकाला है अपने घर पर झोटी ने। जी 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 जी, हाँ। तो 13-14 किलो दूध फर्स्ट टाइमर का, फर्स्ट टाइमर 2 दांत ने भाई। और पंचायती बुल का जो कटड़ा है वो आप बता रहे हो? हाँ भाई। बात करें जो आपका खीरा कटड़ा है, इसकी क्या कुछ उम्र है भाई? इसकी है 17 महीने होगा, 18 में लग रहे हो। ठीक है।
यो मैं लेकर आया था भाई एक दोस्त के द्वारा। अच्छा तो इसकी हाँ। फादर साइड क्या है? इसकी फादर है भाई अर्जुन कुंगड़। अर्जुन कुंगड़ हाँ। इसकी माँ का रिकॉर्ड है HLDB में 19+ का। 19+ का हाँ, 19300 था कुछ है वो। ठीक है कागज हम देख तो देखिएगा भाई बहुत अच्छे बढ़िया जो पशुपालक है मैं कहूंगा ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं और दोनों कटड़े भाई ने जबरदस्त तैयार कर रखे हैं। बात करें प्रदीप भाई जो झोटी है आप सेल जिसको करना चाहते हो हाँ भाई इसकी क्या कुछ जानकारी एक बार बता दीजिए भाई। इसकी यह सेकंड टाइमर झोटी है संदीप मूत है छह दांत और छठे दांत तोड़ रखे हैं। दांत तोड़े हुए हाँ तोड़े हुए हैं। ठीक है ठीक है हाँ। और मौके पे 17-18 लीटर दूध तैयार भी है। मौके पे 17-18 किलो दूध तैयार। कितने दिन की ब्याई? 17-18 दिन की ब्याई होगी। मैले तो लग रही है। मैले से लग चुकी है। ठीक है तो देखिएगा सेकंड लैक्टेशन में झोटी है और पीठ बॉडी वेट आप देख लीजिएगा। अर्डर की जो क्वालिटी है वो आप सब पशुपालकों के सामने। फोर अर्डर की बात करूं फोर अर्डर आप देख लीजिएगा साइड से जो टिड स्पेसिंग है वो पैरों के बीच का जबरदस्त अर्डर यहां पे देखने को मिलेगा। पीठ पुट्ठे की जो चौड़ाई है वो आप देखिएगा। नीचे हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो कटड़ा किसका है ये वैसे भाई? कटड़े का संदीप नहीं पता। अच्छा कोई आइडिया नहीं है? नहीं कोई आइडिया नहीं भाई पूछा भी नहीं मैंने तो। ठीक है हाँ। आज के दिन 18 किलो जो दूध आप बता रहे हो ये कट्टे के तोल का है कैसे भाई? लीटर में है। लीटर में हाँ। ठीक है तो प्रदीप भाई कोई भी भाई आए कितने समय का दूध उसको दिखा कर भाई उसकी संतुष्टि जरूरी है। चाहे वो दो टाइम देखो चाहे वो चार टाइम देखो चाहे देखो भी मत हमने कोई परेशानी नहीं। ठीक है दो टाइम देख कर पक्की सहाय कर लो हाँ, हाँ। अपन कोई दिक्कत नहीं चाहे 10 दिन देखो। बहुत बढ़िया हाँ। तो देखो काफी अच्छे विचार लगे और एक से दो वीडियो पहले भी आपके फार्म से कवर हो चुकी है हाँ भाई। तो खरीद बेच का काम भरोसे का प्रतीक जो डेयरी फार्म है वो हम कह सकते हैं। सेकेंड लैक्टेशन में ढोटी फिर से पूरा पूरा फोकस लेकर के चेहरे मोरे की बनावट से अर्डर की क्वालिटी फोर अर्डर से लेकर के साइड की टिड स्पेसिंग पैरों के बीच का कसा कसाया जो अर्डर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। नीचे हेल्दी मेल काफ और एक समय की जो मिल्किंग है फिर अपने भाइयों को दिखाई देते हाँ, हैं दिखा देंगे भाई तो जैसी भी धार चुआई है वो आपसे भाइयों के सामने। वीडियो के लास्ट में जो रेट है वो भी कन्फर्म करेंगे। बाल्टी वगैरह ले आओ भाई सब बच्चा छोड़ो। ठीक है भाई। नीचे हेल्दी मेल काफ 17-18 दिन की ब्याई हुई सेकंड टाइमर झोटी और 18+ जो दूध है बता रहे हैं भाई मौके पे तैयार। मैले से लग चुकी है बच्चा आप देखिएगा नीचे दूध पी रहा है। वीडियो को देख करके आप सबसे एक ही गुजारिश है कि जो आग्रह है मैं करूँगा कि इस मिल्किंग को फाइनल ना माने खुद आए पशुधन को 2-3-4-5 बार जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं। देखते रहे जांचते रहे परखते रहे हमारा काम है पशुधन को दिखाने का। एक समय की एटलीस्ट जो धार चुआई जो मिल्किंग है धनों का जो पोसा वगैरह है वो दिखा देंगे। बाकी जितने भी डिटेल्स हैं आप भाइयों ने आना है खुद देखनी है जांच परख करके पशुधन को लेकर के जाएं। और समय की अगर मैं बात करूं तो समय अभी 5:52 का समय है शाम के समय। सुबह प्रदीप भाई किस टाइम दूध निकाला? सुबह भाई 5:30 निकाला। 5:30 तो आधा पौना घंटा वैसे एक्स्ट्रा ही चल रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा। ठीक है ठीक है तो देखिएगा जो बात है भाई ने बता दी। कहने को 5:30 भी कह सकते थे 6 का समय भी कह सकते थे लेकिन जो एग्जैक्टली जो एक्यूरेट जो बातें हैं वो आप सब पशुपालकों को देखने को मिली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जो डिटेल्स है वो भी आप सब भाइयों के बीच में कंफर्म करेंगे। बात करें बच्चा हटने के बाद जो थनों का पोसाव है वेन्स है मोटी मोटी नसें आप यहाँ पे देखिएगा साफ सुथरे डेवलप्ड जो थनों के कूप है वो इस झोटी में सेकंड टाइमर झोटी में निकल करके आए हैं। और उम्मीद करूंगा जो वीडियो है वो भी आप सब भाइयों को जरूर पसंद आएगी। तो देख लो जी जबरदस्त जो मजबूत डेवलप्ड जो थनों के कूप है सेकंड टाइमर झोटी में निकल करके आए हैं। तो एक बार खाली बाल्टी दिखा देना प्रदीप भाई। और मेरा चोट लग रही है भाई पाक है। एक भाई आए हैं दूध देखने के लिए और खाली बाल्टी एक बार दिखा देना भाई। और फिर पहले दोनों अगले थनों की फिर पिछले थनों की ये खाली बाल्टी अगले दोनों थनों की धार मार के दिखा दो एक बार एक साथ दोनों। ये देखो जी जबरदस्त जो टिड स्पेसिंग है जबरदस्त जो मोटी धारे हैं अगले थनों की आप देख सकते हो जबरदस्त जो चुआई है सेकंड टाइमर झोटी में देखने को मिली। पीछे वालों की ओर एक बार भाई साहब मार के दिखा दो। ये देखो जी पीछे वाले थन दोनों ये देखिएगा जबरदस्त जबरदस्त जो मोटी चुआई है सेकंड टाइमर झोटी। जितना भी दूध जैसी भी डिटेल्स हैं आप सब पशुपालकों के सामने और एक बार जरूर समय निकाल करके इस झोटी को देखने आए जी। अगर कोई भाई लेने के इच्छुक है निकालो भाई साहब आप निकाल लो कोई बात नहीं। तो एक भाई आए हैं दूध देखने के लिए और एक बार धार चुआई देख रहे हैं कैसी है कैसी नहीं है। तो जैसी भी जानकारी है भाइयों को देंगे और सेल के लिए अवेलेबल है फिलहाल ये
जबरदस्त जबरदस्त जो पशुधन है वो लेकर के आए हैं जी। ठीक है भाई साहब, बढ़िया एक नंबर। ये देखो जी धारचुआई एक नंबर की बता रहे हैं। तो ये भाई दूध का काम है प्रदीप भाई, जो भाई साहब दूध। हाँ भाई, ये इसका दूध का। अच्छा, दूध ये है वैसे। हाँ, दूध है? है। ठीक है ठीक है। तो ये देखो जी जबरदस्त चुआई करने का जो तरीका है, मुट्ठी से दूध निकालते हैं और जबरदस्त जो मोटी धारे हैं सेकंड टाइमर झोटी में निकल करके आई हैं। प्रदीप भाई बात करें डाइट की, खाने पीने में क्या कुछ ले रही है अभी ये? भाई डाइट में तो इस तरह संदीप खांडा है, चने की चूरी है, ठीक है, बंदोले की खड़ है, छलका। अच्छा हाँ। तो गुड़ वगैरह फिलहाल कुछ? हाँ गुड़ भी है भाई, गुड़ की आउटी दे दिया करूँ आज, शेर गुड़ की। ठीक है ठीक एक है। टाइम तो गुड़ की आउटी भी दे रहे हैं और नीचे मेल काफ है तो कटड़ा है, और कटड़ा जो तैयार करने का जो शौक है भाई का जबरदस्त, दो कटड़े ऑलरेडी इन्होंने अपने घर में तैयार कर रखे हैं। पांच महीने का जो कटड़ा है वो, दूसरा मैं कहूंगा 17+ महीने का जो कटड़ा खीरी कैटेगरी में महेंद्रगढ़ पशु प्रतियोगिता में इसको लेकर के गए थे, कॉन्सोलेशन प्राइज इसने वहाँ पे बाजी मारी। देखिए मायने रखता है, एक पशुपालक पहली बार घर से बाहर निकले और कॉन्सोलेशन प्राइज भी उसके लिए फर्स्ट पोजीशन के जैसा ही होता है, तो अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत बड़े गर्व की बात, बहुत बड़े गौरव की बात। प्रदीप भाई कितना टाइम हो गया वैसे सेल परचेज का काम करते हुए? भाई सेल परचेज का तो संदीप दो एक साल हो गए। दो साल हो गए आपको? ठीक है, तो देखिएगा दो साल के करीबन जो समय है भाई का हो चुका है सेल परचेज का काम करते हुए, और मोटी मोटी वेंस आर्डर में बिल्कुल बारीकी से आप सब पशुपालकों को यहाँ पे दिख रही हैं। ये आप देखिएगा बिल्कुल नज़दीक से जितनी भी जानकारी है, और अगले थनों का दूध है वो भी भाई को दिखाएंगे। तो भाई साहब एक बार अगले थनों का दूध जरूर दिखा देना, पता चल जाए अगाड़ी कितने की है। झुका के दिखा दो, वैसे ही वहीं झुका दो बाल्टी को। ये देखो जी कितना होगा लगभग ये भाई? 3 किलो की करीबन की अगाड़ी है। ढाई मानो आप? 2.5 किलो। हाँ ठीक है ठीक है। आप जो बात होगी सोलट का, अगर आप न्यू कोने आ भाई अपने डल्लू मार लियो। तो देखो जी जबरदस्त थनों का पोसाओ, जबरदस्त जो मोटी चुआई मोटी धारे हैं झोटी में आप सब भाइयों को देखने को मिलेंगी। दुनिया का और सभी पशुपालकों से एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी पशुपालक भाई आए इस मिल्किंग को फाइनल ना माने, 2-3-4-5 बार जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, पशुधन को देखते रहे, जाते रहे, परखते रहे। हरियाणा प्रदेश को मुर्रा की खान यूं ही नहीं कहा जाता, पशुपालकों की मेहनत की बदौलत आज जो मुर्रा के नाम पे जो डंका है हरियाणा प्रदेश का बसता है वो इनकी मेहनत की बदौलत है। काफी सारे युवा चेहरे आजकल काफ़ी युवाओं का जो रुझान है वो पशुधन के प्रति निकल निकल करके आ रहा है, काफ़ी सारे युवा एक्टिव हो रहे हैं, और मैं कहूँगा एक्टिव होना भी चाहिए क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की देन मुर्रा भैंसे हैं वो रही हैं। बात करें रिकॉर्ड कराने की तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, या फिर मैं कहूँगा नॉर्मल जो भैंसे हैं आपने देखा होगा 20+ दूध की भैंसे हरियाणा प्रदेश में काफ़ी सारी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो रेफरेंस के लिए एक लाइव मिल्किंग वीडियो आपसे भाइयों के बीच में लेकर के आए हैं, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। लास्ट में जो रेट है कंफर्म भी करेंगे और पता भी करेंगे भाई के पास किस किस तरह की भैंसे रहती हैं। फिलहाल जो झोटी है, ज़बरदस्त जो चुआई है, मोटी जो सटीक धारे हैं वो आप सब भाइयों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जी। तो ये देखो जी अच्छी झोटी है सेकंड लैक्टेशन में, जबरदस्त जो मिल्किंग दूध निकालने का तरीका भाई का काफी काफी सराहनीय है, और इस तरह के धारिये हरियाणा प्रदेश में घर घर में आपको मिलेंगे क्योंकि पूरा पूरा दिन जो पशुपालक हैं, पशुपालकों की बात करें या फिर जो मिल्कमैन जो दूधिये हैं क्योंकि दूध का इनका काम है, और पूरे पूरे दिन जो भाई है सुबह शाम भैंसों का दूध खुद निकाल करके ले जाते हैं। सलाम है इनकी मेहनत को, सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है इनके हौसले को। काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छा जो मुर्रा का पशुधन है सेकेंड टाइमर झोटी आप सब भाइयों के बीच में।
तो एक एक्सपेक्टेशन से एक उम्मीद, आज थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि दो दिन आपको पता है केडीएफए में बहुत स्टेज को संभाले हुए थे और आप सब पशुपालकों की बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत ये चीज़ें हुई। मेरी जो जिम्मेदारी, मेरी जो ड्यूटी थी, हर तरीके से ड्यूटी को निभाने का प्रयास करते हैं। तो पशुपालकों के बीच से जो फर्स्ट जो मिल्किंग है दिखा रहे हैं इस झोटी की, एक समय के ही मैं अपने भाइयों को दिखा सकता हूँ। कोई भी भाई आए, दो तीन चार पांच बार, जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो, पशुधन को देखते रहें, जांचते रहें, परखते रहें और फिर कहीं ना कहीं जो अपना जीवन की जो गाड़ी कमाई है उसको फैसला लें, उसको इन्वेस्ट करना है पशुधन के लिए या नहीं। क्योंकि पैसे आजकल मैं कहूँगा पेड़ों पे नहीं लगते। काफ़ी सारे भाइयों की कॉल्स आती है कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक चीज़ और, बाखड़ी भैंसों का जो क्रेज़ है आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त है, बढ़ रहा है। और बाखड़ी भैंसों की भी जी लगातार जो वीडियोस हैं आप सब भाइयों के बीच में लेकर के आ रहे हैं लगातार धड़ाधड़, उनके प्रति भी अपने पशुपालकों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला ओनर जो भी डिटेल्स बताए अपने डॉक्टर को ले जाए, खुद वहाँ पे उसको चेक करवाए कितने महीने की गैबिन है, क्या अप्रोक्सीमेट एक लमसम आईडी आपको लगी जाता है, बावजूद उसके जो कीमत है वो लगाएं और फिर उस पशुधन को लेकर के जाएं। भाई का दूध निकालने का तरीका सबसे ज़बरदस्त मैं कहूँगा, मुट्ठी से ज़बरदस्त जो मोटी धारे हैं वो निकल कर के आई हैं, काफ़ी अच्छी झोटी है और 17-18 दिन की ब्याई हुई में इतना दूध, बाल्टी आप देखिएगा ऊपर तक आ चुकी है। और ये आप देखो, भाई इस बाल्टी को वहीं ले जाओ, वहाँ बैठ के ही नाप लेना। तो देखो जी, दूध की बाल्टी है ऊपर तक आ चुकी है, दूध लगभग लगभग ऑलमोस्ट निकल चुका है और कोई भी पशुपालक भाई इस दूध को माप तोल करके ले जा सकता है। इनको वहीं ले जाओ और वहां बैठ के ही माप लेना। डॉलर भाई आगे आ जाओ, कॉलर पे लगा दूंगा। तो देखिएगा अर्डर का झड़ाव काफी जबरदस्त आप सब भाइयों को देखने को मिला। शांत स्वभाव की झोटी, एक कदम भी आगे पीछे नहीं, बाल्टी आप देख सकते हैं लगभग लगभग फुल हो चुकी है और काफ़ी अच्छा जो पशुधन है। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव मांगावास से। अच्छा लेंगे बेटा, ये देखो जी दूध है वो निकल चुका है और दो से तीन बार जो इसको पलट करके दूसरी बाल्टी में लीटर की व्यवस्था है भाई के घर पे, तो जैसी भी जानकारी है माप तोल करके दिखा दिया जाएगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, सब खाली बाल्टी आपकी देख ली है हमने। समिति में भाई नीचे रख ले पहले बाल्टी को, यूं क्यों रख, नीचे रख दो। हाँ डॉलर भाई अब दिखाओ खाली बाल्टी, देखो भाई ये देखो जी खाली बाल्टी, ठीक है अब पलट दो, दो से तीन बार इसको लगाता पलट दे भाई। हाँ
अच्छा आया नहीं इसमें पूरा है। ठीक है भाई साहब, खाली डब्बे दिखा के एक बार चेक माफ कर दो, डॉलर भाई को दे दो। आप नापोगे ये भाई साहब? नाप भाई, आराम आराम। अच्छा बैठ जाओ फिर, कोई बात नहीं, आप खाली खाली माप एक बार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 5 से 7 भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी अगुवाई में जो चुवाई है वो हो रही है। और ये देखो, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। एक बार बाल्टी को उठा के डाल दो भाई साहब। नो कर डालूंगा। और ये देखो 100-200 ग्राम आधा किलो जैसे भी है। एक बार एक मिनट प्रदीप भाई, बाल्टी को हटने के बाद डालोगे ऐसे नहीं। ले भाई 10 माह। अच्छा 10 भी पूरे हो गए। ठीक है ठीक है, 10। ये देखो जी 100-200 ग्राम 150 ग्राम जो भी था वो। तो एक बार टेम का फर्क ला लियो जी भाई साहब, यो इब थोड़ा आधा पौना घंटा। तो पशुपालक भाई आए हैं इस झोटी को देखने के लिए। अर्डर का झड़ाव आप देख लो। तो एक समय की मिल्किंग, एक समय का जो दूध है वो आप सब भाइयों ने देखा। प्रदीप भाई अब आते हैं इसकी कीमत मोल भाव पे, कितनी क्या कुछ जो कीमत है वो आप रखोगे भाई? संदीप इसकी कीमत है 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये? 2 लाख रुपये 18 किलो दूध आप बता रहे हो। 10 प्लस जो डब्बे है वो आपने भरे हैं। जो टीकल तय लाग रही है हाँ। जो टीक कम से कम 3-4 kg दूध नोर ठाओगी भाई। अच्छा ठीक हाँ। है हाँ। क्या कुछ संपर्क सूत्र हैं आपके भाई? अपना 80596 80596 92673 92673 गांव है आपका मंगावास भाई। तो वैसे सिर्फ ताजा रखते हो या किस तरह का व्यापार है भाई आपका? एक सेल हो जाए तो ठीक है ना अपने घर पे। अच्छा ठीक है हाँ। कितनी पैसे बेच देते हो एक महीने में भाई? महीने में 1 बीबक जा 2 बीबक जा अरना बीबक है। अच्छा ठीक हाँ। है हाँ। तो चले जी, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको, बड़ा बड़ा धन्यवाद। काफी अच्छी झोटी पशुपालकों को दिखाई है। फिर से पशुधन पे पूरा पूरा फोकस। सेकंड टाइमर झोटी अड्डर का झड़ाव आप देखो। और कीमत है भाई ने 2 लाख रुपये रखी है। तो कोई भी पशुपालक जितने मर्जी बार आए यहाँ पे दूध चेक करके ले जा सकता है। आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव मांगावास से। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।